राधे राधे। वेल, मेरा नाम मुरली मोहन बहरा है। हम गीता अध्ययन के क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा कर ले तो बहुत बेहतर होगा, बिकॉज ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें गीता अध्ययन करने से पहले ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, हमारे सनातन धर्म में ग्रंथों का कोई कमी नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथों के बारे में बोलता हूँ, जैसे कि चार वेद, 18 पुराण, एक भगवद गीता, एक श्रीमद भागवतम, एक रामायण, इतने सारे हैं। ऊपर से उपनिषद भी, श्रुति भी और स्मृति भी। श्रुति वो होते हैं जो भगवान के द्वारा बोला जाता है, जो भगवान ने बोले हैं। स्मृति वो है जो हमें मिला है, हम उसे पढ़ के याद करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। पुराण, 18 पुराण, 18 पुराण में से 6 6 6 बटा हुआ है। 6 पुराण जो होता है वो सद्गुण के लिए होता है, दूसरा 6 पुराण जो होता है वो रजोगुण के लिए, और तीसरा 6 पुराण जो है वो तमोगुण के लिए। जो तमोगुण वाले होते हैं वो हाई इंटेंसिटी एनर्जी वाले होते हैं, जैसे कि वो तामिष जो लोग होते हैं, जैसे कि मांस और मदिरा का जो सेवन करते हैं, वैसे लोग वो तमोगुण वाले जो पुराण है वो ज्यादा यूज करते हैं। तांत्रिक विद्या के बारे में जो भी होता है वो हाई इंटेंसिटी, जैसे कि उसमें शिव भगवान और माता दुर्गा को वो ज्यादातर रेफर करते हैं, राइट। वैसे ही रजस गुण होते हैं और सद्गुण भी होते हैं। ये सब जितने भी ग्रंथ हैं सब वेद व्यास जी लिखे हैं, और वेद व्यास स्वयं भगवान के रूप में, वो कोई अलग नहीं है, राइट। और ये भगवान कौन है? एक ही तत्व है भगवान। भगवान मीन्स कोई, इतने सारे आप जितने भी बोलते हैं तथा स्फुटी देवता जो हैं, इतने सारे देवता जो है सारे एक ही हैं। वो एक तत्व क्या है? एक तत्व श्री कृष्ण जी है बस, और कोई नहीं है, ठीक है। सो जब वेद व्यास जी स्वयं जन इतने सारे ग्रंथ लिखे, उन्हें ना आत्मसंतुष्टि नहीं था। ये हमारे श्री कृपालु जी महाराज बोलते हैं, जब वेद व्यास जी ये सारे ग्रंथ सब लिख लिए फिर भी उन्हें संतुष्ट नहीं हुआ। अब जब उन्हें संतुष्ट नहीं हुआ इतने सारे ग्रंथ लिख के, तो हमें कैसे हो जाएगी? हम तो सामान्य मनुष्य हैं, वो जो लिखे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जब उन्हें ही संतुष्ट नहीं हुआ है, इतने सारे ज्ञान लिखे, तो हम क्या संतुष्ट पा लेंगे? क्यों? ये क्वेश्चन था, क्यों क्यों उन्हें संतुष्ट नहीं मिला जबकि इतने सारे ग्रंथ लिख लिए थे? वेदव्यास जी जब बोले कि मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ लिखा फिर भी मुझे असंतुष्ट लग रहा है, ऐसा क्या चीज है जो मुझसे छूट रहा है? तो तभी ऋषि नारद जी बोले कि आप क्या शुद्ध भक्ति के बारे में लिखे हैं, कृष्ण के भक्ति के बारे में लिखे हैं? देखिए, बिना भक्ति का चाहे कुछ भी हो जाए वो मायने नहीं रखता, क्योंकि भक्ति के बिना आप भगवद गीता पुराण सब सब पुराण पढ़ ले, सब वेद पढ़ ले, लेकिन कुछ फायदा नहीं है जब भक्ति ना हो। तो तब वेदव्यास जी को आइडिया है कि अच्छा, तो मैंने भक्ति के बारे में नहीं लिखा है। यस राइट, भक्ति के बारे में तो नहीं लिखा है, यहाँ तक कि रामायण भी लिखे हैं, वाल्मीकि तो लिखे ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक रामायण जो है वो वेदव्यास जी पहले लिखे थे। प्रचलित में वाल्मीकि के रामायण बहुत ज्यादा प्रचलित है, पहले वेदव्यास जी भी रामायण लिखे थे। तो बाद में जाके भक्ति रूप में वो श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम पूरे का पूरा ग्रंथ जो है वो स्वयं भगवान के रूप। अब आप पूछोगे कैसे? जब भी भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं तो उनका एक नाम होता है, जैसे कि जब सूअर के रूप में आते हैं भगवान तो उनका वरहा नाम हो जाता है, जिसे हम वरहा रूप बोलते हैं। जब मछली के रूप में आ जाते हैं तो उसे मत्स्य अवतार बोलते हैं। वैसे ही जब भगवान ग्रंथ के रूप में आते हैं तो उसे श्रीमद् भागवतम बोला जाता है। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद, राइट, 12 स्कंद। अब 12 स्कंद में उनके पूरे अंग को जोड़ो, पहला 2 स्कंद, फर्स्ट एंड सेकंड स्कंद जो थे वो उनके 2 चरण थे, फिर दूसरा 2 स्कंद, तीसरा और चौथा स्कंद ये उनके दोनों जांघें थे, 5वां स्कंद आता है, 5वां स्कंद उनका उदर था, 6वां स्कंद उनका वक्षस्थल, उनका चेस्ट, 7वां और 8वां उनके दोनों भुजाएं, उनका एक भुजा 7वां और एक भुजा 8वां, फिर उनका गला 9वां स्कंद, 10वां स्कंद जो है उनका मुखमंडल, 11वां स्कंद उनका ललाट, 12वां स्कंद उनका पगड़ी, उनका मुकुट जो किरीटम बोलते हैं वो है 12वां स्कंद। सो 2 चरण, 2 जांघे, 1 उदर, 1 वक्षस्थल, 2 हाथे, 1 गला, 1 मुखमंडल और 1 ललाट और 1 पग मुकुट, ये है पूरा श्रीमद् भागवतम। देखिए, आप तो जानते ही होंगे कि युग हमारे 4 युग होते हैं, 4 युग थे ना, 1 सतयुग, 3रा युग, 2वापर युग, कलयुग। अब इसमें भी अवतार लिए थे भगवान जी। कैसे? सतयुग में सब
सब जो थे परमहंस के रूप में थे, परमहंस के रूप में, तभी सिर्फ मेडिटेशन से, उनके शुद्ध ध्यान से वो अपने भगवान को पा लेते, उनके आशीर्वाद से जो भी उन्हें चाहिए वो आशीर्वाद से ले लेते सिर्फ मेडिटेशन से। क्या आप अभी मेडिटेशन करके भगवान को प्राप्ति कर लेते? हम एक बार मेडिटेशन के लिए बैठे कि नहीं, हमारे कान में कुछ ना कुछ साउंड सुनाई देगा, या तो कुछ और थॉट्स आते रहेगा, कुछ नेगेटिव आते रहेगा, कुछ पॉजिटिव आते रहेगा, हम एक तरफ से ध्यान से भगवान को ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। ये कलयुग है। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में हम अग्नि पूजन करते थे, जब भी हवन करते थे स्वाहा के रूप में अर्पित किया जाता था, राइट? वो हविष बोलते हैं उन्हें, जो स्वाहा से हविष दिया जाता है वो भगवान को प्राप्ति होता है। ये त्रेता युग में होता था। फिर अभी भी वो हम कहीं ना कहीं पूजा स्थल में हो जाता है, जैसे कि भगवान का अगर मंदिर का पूजन होता है तो फिर पहले यज्ञ होता है और उसमें हविष दिया जाता है। ये कलयुग में भी अभी प्रथा चल रहा है। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में कौन थे? श्री कृष्ण जी। स्वयं श्री कृष्ण जी जब आए फिर मूर्ति पूजन स्टार्ट हुआ। भजन बोलते हैं मूर्ति पूजन सही नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजन में कोई गलत नहीं है। मूर्ति पूजन में हम स्वयं श्री कृष्ण जी, श्री राधा जी को हम देखते हैं, तब जाके हम मन से उस मूर्ति को पूजा कर पाते हैं भक्ति द्वारा, ताकि हमें कुछ ना कुछ चाहिए कि हम भक्ति किसको दिखाएं। हमारे गुरु जी हैं, हमें मिल गए गुरु जी, इसी कारण हम अभी समझ पाए कि हाँ, जो है हम अपने मन से आंख बंद करके अगर मन से रूप ध्यान करेंगे तो वही है भक्ति। लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो रूप ध्यान नहीं कर पाते, तो वो मूर्ति पूजन करते थे। अब इसमें भी शास्त्र है कि मूर्ति पूजन किस लिए और कैसे किया जाता है, राइट? इसके बाद में चर्चा करेंगे। वेल, आए हम ना कलयुग। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे और वो श्री कृष्ण जी के स्वयं अवतार थे, श्री कृष्ण जी ही थे। और वो बोले थे कि श्री नाम संकीर्तन से आप भगवान की प्राप्ति, जो कि कलयुग में आप यज्ञ नहीं कर सकते, ना ही मेडिटेशन कर सकते हैं, ना ही और मूर्ति पूजन। अभी वो द्वारा भी आ गया है कि मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। सो मूर्ति पूजन भी कहीं कहीं नहीं होता है, ऐसे हैं, हमारे इंडिया में भी है मूर्ति पूजन जहाँ नहीं होता है, ठीक है। सो वो आप नाम संकीर्तन, सिर्फ अपने मुख से हरि नाम का संकीर्तन करो और राधे राधे पुकारो, आपको भगवान प्राप्ति होने लगे। ये हमारे स्वयं श्री कृपाल जी महाराज बोल रहे हैं, राइट? और ये भी मैं, ये कर्म, ये मेरा कर्म है। जैसे कि श्री भगवद गीता में 5 विषय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय हैं, वो है भगवान, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है जीव, चौथा है काल, पांचवा है कर्म। सो भगवान जो है, हम भगवान भगवद गीता में जहां पे भी भगवान पढ़ेंगे उसका मतलब स्वयं श्री कृष्ण जी, स्वयं श्री युगल सरकार है। वो हर तरह से मुक्त है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। दूसरा आता है प्रकृति। हमारे जगत गुरु कृपालु श्री महाराज बताते हैं कि भगवान जो है वो मुक्त है, स्वतंत्र है, वो किसी पर डिपेंडेबल नहीं है, राइट? जैसे कि मैं अपने माता पिता पे अभी डिपेंडेबल हूँ, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी माता पिता के लिए डिपेंडेबल हूँ, माता पिता भी उनके माता पिता के लिए डिपेंडेबल है, राइट? हम नेचर पे डिपेंडेबल हैं कि नहीं? पृथ्वी के लिए अगर आज बारिश हो गया, खेत में जल भर गया, तो फिर खेत पूरा नहीं हो पाएगा, या तो फिर जल अधिक हो जाएगा तो पूरा नहीं होगा, सही से फसल नहीं होगा, लिमिट में होना चाहिए, जो भी बारिश होना है वो लिमिट में होना चाहिए। ये क्या है, हम डिपेंडेबल है नेचर के प्रति। आज वर्षा हो गया, आज धूप हो गया, या तो फिर ज्यादा शीतकाल आ गया तो फिर हम नहीं रह पाते, हम गर्म के कपड़े पहनते हैं, हम डिपेंडेबल है नेचर के प्रति। और ये नेचर भगवान है, सिर्फ भगवान है, श्री कृष्ण जी है। तो पहला जो विषय है वो भगवान, भगवान पूरे स्वतंत्र है, वो एक ही तत्व है जो स्वतंत्र है और कोई नहीं, पहला हो गया। दूसरा विषय आता है प्रकृति, जो भी भौतिक प्रकृति, मैं आपको बोला ना हम प्रकृति के ऊपर डिपेंडेबल है, लेकिन प्रकृति जो है भगवान से डिपेंडेबल है, भगवान से डिपेंडेबल है प्रकृति। जो भगवान कर रहे हैं वही है प्रकृति, जो भगवान बोलेंगे तो वैसे ही होगा प्रकृति। अब आते हैं जीव। जीव हम जो है हम मुक्त नहीं है, हम हर चीज से घिरे हुए हैं, मोह माया से बंधे हुए हैं, माया मोह बद्ध जीवन है हम लोग का। और ये जीव को मुक्त करना सिर्फ हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए हमें गुरुओं के शरण में जाना पड़ता है। और गुरु ही एकमात्र ऐसे हैं जो हमें भगवत प्राप्ति तक ले जा सके, भगवान तक ले जा सके। जीव का समझ में आ गया अभी। अब क्या है, अब है काल। भगवत गीता में स्वयं कृष्ण जी बोले हैं कि मैं ही हूँ काल, मैं ही हूँ सर्वस्व। काल का एनर्जी बहुत हाई इंटेंसिटी का एनर्जी है। आप क्या तारे गिन सकते हैं? हमारे 44 लाख योनि है और ये काल जो है हर एक जन को मार मार के गिन गिन के जाते। सो बहुत बड़ा एनर्जी है काल। उसके बाद आता है कर्म। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, गुरु के दास हैं, हम गुरु के प्रति अच्छे आलोचन रखें और उनके आदेशों का अच्छे से पालन करें, और भगवान के जो श्री कृष्ण के आत्म संतुष्टि के कारण हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो करें, इससे ज्यादा और कर कुछ नहीं हो सकता। हम यही, ये 5 विषय आपको भगवद गीता में पढ़ने को मिलेगा। तो भगवद गीता जो है ना,
वो चार वेदों से और उपनिषद से लिया हुआ है, उसका एक निचोड़ है, इसलिए भगवत गीता को उपनिषद और भगवत गीता भी बोला जाता है। आपको अगर सारे शास्त्र, जितने भी वेद पुराण हैं, जितने भी श्रीमद् भागवतम हो गया, सारे जितने भी स्कंद हैं, सारे का अगर निचोड़ चाहिए ना, सो फिर आप अगर ये सब कुछ भी ना पढ़ो तो भी चल जाएगा, सिर्फ एक राधे गोविंद ले लीजिए। राधे गोविंद वो बुक है जो हमारे श्री कृपालु जी महाराज, वो पूरा ये सब स्कंद हमें इजिली समझ में आए इसलिए वो ग्रंथ अपने से लिख के रखे हैं, उसमें सारे ग्रंथों का निचोड़ है, समझ रहे हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा ना ही गुरु हूँ, मैं एक तुच्छ इंसान हूँ, जो कि मेरे गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया है उन्हें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ना गीता पढ़ा रहा हूँ, ना वेद पुराण पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे में इतना इंटेलिजेंस नहीं है। बट ऐसे अथॉराइज्ड पीपल बहुत हैं जो गुरु हैं, जैसे कि हमारे श्री कृपालु जी महाराज एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो पांचवे मूल गुरु हैं, वो मूल जगत गुरु। सो वैसे उतना मतलब तो मैं जा नहीं सकता, मैं एक तुच्छ इंसान हूँ, बट मेरा कर्तव्य ये है कि मैं इस धार्मिक ग्रंथ को मैं पकड़ूं, मैं अभ्यास करूं और इस अभ्यास को मैं जितना हो सके आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। मैं ये सिखा नहीं रहा हूं कुछ, बस मेरा प्रैक्टिस, मैं ये बता रहा हूं कि मैं ऐसा प्रैक्टिस कर रहा हूं और आप मेरे साथ कर सकते हो। मुझसे किसी एक का भी बेनिफिट हो जाए ना, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा कुछ सेवा मेरे अपने गुरु के प्रति होगी, बस ये मैं बताना चाहता हूँ। वेल थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा पहला स्टेप ये था, राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, भूलिए मत। ऐसे तो बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो, आप लोग देखते हो पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल जाते हो आई थिंक। सो प्लीज़ आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। थैंक यू।